हेलो डियर स्टूडेंट, तो अब हम जहां तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चों अब हम, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट साथ साथ समझ में आ जाए। तो देखते हैं एक-एक करके क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स आयन एंड काउंटर आयन इन द फॉलोइंग स्पीसीज। मतलब फॉलोइंग स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज दिया गया होगा उसके अंदर आपको काउंटर आयन और आपको कॉम्प्लेक्स आयन को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों यहां पर K4Fe CN6, बी आपका CO NH3 5 Cl Cl2, सी आपका क्या होगा बच्चों CuNH3 4 और यहां पर SO4। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर आपको काउंटर आयन निकालना है। काउंटर आयन हमेशा कहां होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर। तो अगर मैं इसके लिए काउंटर आयन बोलना चाहूं तो इसके लिए काउंटर आयन मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। यहां पर ये हो जाएगा काउंटर आयन K+, यहां पर काउंटर आयन आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका काउंटर आयन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है। सिंपल बोल सकते हैं बॉक्स के बाहर जो होगा ना वो आपका काउंटर आयन हो आपका हो जाएगा Cl-। अब यहां पर मैं अगर काउंटर आयन बोलना चाहूं तो यहां पर काउंटर आयन क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर काउंटर आयन SO4 2-। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें काउंटर आयन आपको पहचानना था और आपका कॉम्प्लेक्स आयन जो काउंटर आयन के रिमेनिंग होगा वो सारा आपका क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसका कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा बच्चों, FeCl, इसको तोड़ दो FeCn6, यहां पर +1 चार्ज है तो यहां पर -, यहां पर कितने चार है ना, तो यहां पर चार, तो यहां पर कितना आ जाएगा -4। इसके लिए बोलो बच्चों यहां पर 2 Cl है तो इसके ऊपर +2 आएगा, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो जाएगा बच्चों, इसको वाटर में जिस तरीके से हम लोग डिसोसिएट करते हैं उसी तरीके से, तो यहां पर 2+ आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर CuNH3 4 और यहां पर आपका 2+। इस तरीके से आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन, तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन को निकालना है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI, मतलब सेंट्रल मेटल आयन का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका समझना बच्चों। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लीगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी। इस तरीके से हम यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो एक एक करके ध्यान से समझना, जितने डेंटिसिटी, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वन यू हैव टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ लीगेंड। आपको टाइप ऑफ लिगेंड फाइंड आउट करना है। अगर यूनिडेंटेड होगा तो यूनिडेंटेड के लिए डेंटिसिटी कितनी होगी, 1। अगर मैंने देखो डेंटिसिटी के बारे में बता देता हूं, यूनिडेंटेड के लिए आपका डेंटिसिटी कितना होगा बच्चों, 1। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया बाइडेंटेड के लिए डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, आपका 2। इसी तरीके से ट्राइडेंटेड के लिए आपकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां पर 3। इसी तरीके से आपकी डेंटिसिटी निकलती जाएगी। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है, एक एक करके ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एक करके पहला एग्जाम्पल मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं पहले बच्चों, आप लोग खुद से एक बार कोशिश करो तो मैं आपको डेंटिसिटी निकालना बताता हूं एक एक करके। ये आपका बी एग्जाम्पल, CuNH3 4, यहां पर आपका 2+। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको, आप लोग इसको नोट डाउन करो और उन्हें कोशिश करो कि आप लोग डेंटिसिटी किस तरीके से निकालोगे। आप लोग निकाल के रखो, फिर हम लोग चेक करते हैं कि डेंटिसिटी हम किस तरीके से निकालेंगे। बी सी एग्जाम्पल,
Fe2O4 थ्री माइनस यहां पर थ्री, ठीक है, जहां पर डी डी एग्जाम्पल आपका क्या है, Pt(En₂Cl₂) ये आपका है, आपका डी डी के बाद ई एग्जाम्पल आपका क्या है बच्चों, Fe(En₃Cl₃, ठीक है। अब यहां पर जी एग्जाम्पल आपका क्या है, एफ एफ सॉरी यहां पर एफ एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर Fe(EDTA)-1, ठीक है। और यहां पर एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे डील इसको। मैं +2 पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, देन मैं दो एग्जाम्पल और लूंगा बच्चों, देखते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले यहां पर आपका कितने लिगेंट है, कितने लिगेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो यहां पर कितने लिगेंट है बच्चों, सबसे पहले चेक करो कितने लिगेंट है, दो लिगेंट है। और सी एन आपका कितना लोन पे डोनेट करेगा, यूनिडेंटेड लिगेंट का एग्जाम्पल होता है सीएन, सीएन आपका किसका एग्जाम्पल होता है, यूनिडेंटेड, केवल और केवल एक लोन पे डोनेट करेगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका, 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, यहां पर कितने कितने लिगेंट है, टाइप ऑफ लिगेंट 4 है, और कितने लोन पे डोनेट करेगा, NH3 आपका एक लोन पे डोनेट करेगा, तो यहां पर यूनिडेंटेड का एग्जाम्पल है, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, यूनिडेंटेड का, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है बच्चों, यूनिडेंटेड का। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, यूनिडेंटेड का एक एक करके आपको एग्जाम्पल के साथ ही आपको याद होते जाएंगे कौन कौन किसके एग्जाम्पल है, यूनिडेंटेड का एग्जाम्पल है, तो आपको यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1, ठीक है, यहां पर आपका क्या आ जाएगा 1, तो यहां पर कितना होगा टोटल 4। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ लिगेंड 3, और ये ऑक्सलेटो किसका एग्जाम्पल है, बाइडेंटेट का, तो यहां पर क्या होगा 6, ये आपका किसका एग्जाम्पल है बच्चों, बाइडेंटेड लिगेंड का, ठीक है। अब यहां पर पीटी, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ। देखो यहां पर दो टाइप के लिगेंड है, तो एक तो आपका 2 × 2 + 2 ×, अब देखो ये आपका क्या है, बाइडेंटेड या फिर ट्राइडेंटेड, ईएन आपका एग्जाम्पल है बाइडेंटेड का, ईएन आपका एग्जाम्पल है बाइडेंटेड का, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका यूनिडेंटेड का, किसका एग्जाम्पल है, यूनिडेंटेड का, तो हम यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, तो टोटल कितना आ जाएगा 6, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, एक दो बार ये अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार कर लेना बच्चों। नाउ अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूं, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होगा बच्चों, सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर कोऑर्डिनेट स्फीयर में, मतलब इसके अंदर बॉक्स के अंदर कितने लिगेंट है, 3, और ईएन आपका किसका एग्जाम्पल है, ईएन आपका बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है, ईएन आपका बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है, तो यहां पर 2, टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर 6। अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूं, यहां पर मैं क्या निकालना चाहूं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर जब मैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूं तो ध्यान से समझना, यहां पर EDTA आपका 1, और EDTA आपका किसका एग्जाम्पल है, EDTA आपका यहां पर ध्यान देना, मैक्सिमम केस में हेक्सा होता है और पेंटा के केस में मैं आपको बता दूंगा, तो यहां पर 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ये आपका यहां पर कौन सा है, हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड, आपको अगर पेंटाडेंटेड होगा तो आपको बोलेगा हेक्साडेंटेड था, इसलिए मैंने 6 कर दिया, ठीक है। अब और भी एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों, एक एक करके ध्यान से, एक एक करके एक एक एग्जाम्पल को हम समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने, इसीलिए मैंने आपको लिगेंड के टाइप बताए थे, लिगेंड के टाइप मैंने इसीलिए बताए थे कि आपको समझ में आ जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं जी, देखते बच्चों जी एग्जाम्पल, यहां पर मैंने लिख दिया RHPC6H5 thrice, ये टोटल आपका थ्राइस, और यहां पर आपका Cl, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया H, यहां पर MOCN8 4- I,
आई देखो हम कैसे लिखेंगे, FeCO5, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। अब जल्दी जल्दी बताना बच्चों कैसे करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए बच्चों, 3। और ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, यूनिडेंटेड। अगर चाहे आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो देखो यहाँ पर P C6H5, 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 केवल और केवल यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा, तो मतलब यहाँ पर 1। टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों ये आपके, 3। अब इसका निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी बताओ, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, टोटल कितने लिगेंट है, 8। और 8 लिगेंट का ये आपका किसका एग्जाम्पल है बच्चों, यूनिडेंटेड। एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझते जाना, यूनिडेंटेड 1 मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका टोटल 8। अब मैं इसका निकालना चाहूंगा तो इसका कैसे होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, यहां पर आपका टोटल कितने लिगेंट है, 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर क्या है जल्दी से बताओ, यहां पर 5 है ये आपका यूनिडेंटेड है कि मोनो डाइडेंटेड है, ये आपका यूनिडेंटेड का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, यूनिडेंटेड का, तो यहां पर 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, 5। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने हैं। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए हमने लिगेंड का चार्ज हमने देखा था ना, लिगेंड का चार्ज मैंने आपको लिखाया था, लिगेंड का चार्ज अब कहाँ काम आएगा उसके बारे में अब हम समझते हैं एक एक करके, ठीक है। एक एक करके समझते हैं लिगेंड का चार्ज का क्या रोल था एक्चुअली में, तो एक एक करके समझते हैं। यहां पर देखते हैं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स इन फॉलोइंग, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखते हैं एक एक करके ध्यान से। फर्स्ट अगर मैंने K4Fe CN6, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका निकालना है बच्चों अंडरलाइन वाले का। सेकेंड एग्जाम्पल में लेता हूँ AgCN2 twice, आपने उसमें भी पढ़ लिया होगा रेडॉक्स में बच्चों, ठीक है, रेडॉक्स में भी आपने पढ़ा होगा ये आपका, फिर भी देख लो बच्चों आप एक बार और। फोर्थ एग्जाम्पल K3Fe C2O4, यहाँ पर थ्राइस ये हो जाएगा 5CO Cl NH3 5 2+6, अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर K3CO F4, इसका निकालना है अंडरलाइन वाले का, केवल और केवल आपको निकालना है बच्चों, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, देन आफ्टर मैं आपको बताता हूं इसको किस तरीके से डील करेंगे। CO C2O4 twice Cl2 8, यहां पर K2HgI4, ठीक है, ये आपका नेस्लर रिजल्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक करके ध्यान से देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से हमको यहां पर डील करना है। देखो यहां पर हमको इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, अगर मैंने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो ये आपका 4K+ और Fe CN6, 4 माइनस में डिसोसिएट होगा। अब मुझे इसका निकालना है तो इसको मैं क्या मान लूंगा बच्चों, x, यहां पर 6, CN के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, इक्वल टू टोटल चार्ज -4, तो यहां पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से देखते हैं फिर से, यहां पर डिसोसिएट करने वाला कोई फैक्टर ही नहीं है, तो ये इसको मैंने मान लिया x, यहां पर कितना हो जाएगा 2, CN के ऊपर टोटल चार्ज कितना है -1, और ये इक्वल टू -2, टोटल x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी से काउंट करो, x इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर ये आपका -2 -2, यहां जाएगा +2, तो यहां पर कितना आ जाएगा 0।
यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आया, जीरो। इसका निकालो बच्चों, इसको मैंने मान लिया एक्स, एक्स कितने लिगेंट है, चार लिगेंट है। सीओ के ऊपर चार्ज कितना, जीरो मैंने लिखाया है बच्चों, चार्ज मैंने लिखाया था इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर, जीरो। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बच्चों यहां पर, जीरो। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसको मुझे डिसोसिएट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चों, काउंटर आयन। जहां जहां आपका काउंटर आयन होगा वहां वहां आप इसको डिसोसिएट करना, ठीक है, एक एक करके। तो यहां पर 3K+, यहां पर Fe2O4 3, यहां पर 3-। नाउ इसका मुझे निकालना था ना, तो ये आपका x मान लिया 3। अब C2O4 ऑक्सलेटो के ऊपर कितना चार्ज होता है, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो के ऊपर देखोगे तो आप लोगों को -2 चार्ज मैंने लिखाया था, तो यहां पर -2 इक्वल टू -3। बस आपको चार्ज ध्यान रखना है, टोटल x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर 3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3। अब इसका निकालते हैं बच्चों, देखो काउंटर आयन नहीं है तो डिसोसिएट नहीं करना है। तो यहां पर x, यहां पर एक लिगेंड क्लोरीन है, क्लोरीन का -1, यहां पर 5। क्या NH3 के ऊपर कोई चार्ज होता है बच्चों, नहीं होता, तो ये आपका 0 और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, +2। अब ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, +3। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकालना है। अब देखो अगले एग्जांपल में, इसमें बच्चों आपका काउंटर आयन प्रेजेंट है, जब काउंटर आयन प्रेजेंट होगा तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे हम लोग, COF4 यहां पर 3-। अब देखो इसका निकालेंगे तो ये आपका एक्स, फ्लोरीन का 4, एक फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज, -1 इक्वल टू -3। तो यहां पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों आपका 4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर आपका 4। ठीक है, नाउ अब देखते हैं बच्चों, यहां पर भी आपका काउंटर आयन प्रेजेंट है, जब काउंटर आयन प्रेजेंट होगा तो इसको डिसोसिएट करो 3K+, और साथ में यहां पर COC2O4 2Cl2। अब यहां पर इसको मान लिया मैंने एक्स, यहां पर 2, यहां पर कितना आ जाएगा -2, इसके ऊपर -2 चार्ज। अब ये भी आपका 2 है, ये भी आपका कितना है बच्चों 2 है, इसके ऊपर -1 चार्ज इक्वल टू की क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर 3, माइनस है, ये आपका माइनस है। ठीक है, तो ये आपका माइनस हो गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 3-। अब बताओ जल्दी से यहां पर कितना हो जाएगा, एक्स -4 -2 -3, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर, सॉरी x इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखो, यहां पर भी आपका काउंटर आयन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है कि नहीं है, यहां पर भी अगर आपका काउंटर आयन प्रेजेंट है तो इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, 2K+ HgI4, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 2-। ठीक है, अब देखो इसका निकालना है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, एक्स, आयोडीन कितने बच्चों, 4 आयोडीन है, बात क्लियर है, यहां पर आपका 4 आयोडीन है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर 2। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक्स, एक्स ये आपका -4 होगा, -4 इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर +2। तो इस तरीके से हमने यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हमने क्या निकाल लिया बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर किसके निकाले बच्चों, मेटल आयन के। अब ध्यान से देखोगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका वेरिएबल होगा, ठीक है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होने की वजह से ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल को आपको अच्छे से देख लेना है। नाउ ये आपका आगे नोमेनक्लेचर में काफी काम आएगा कल के लेक्चर में, कल के लेक्चर में मैं आपको नोमेनक्लेचर करना सिखाऊंगा, तो नोमेनक्लेचर में आपको काफी काम आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से ध्यान से निकालना है। कल हम साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालेंगे, और साथ साथ हम उसका नोमेनक्लेचर भी करेंगे, तो कल हमारा और भी प्रैक्टिस होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर किसको निकाल लिया बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।